नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में इस समय मानसून का सीजन है और शहर में अच्छी खासी बारिश भी हुई है। ऐसी बारिश के दौर में एक बाइक के सीट कवर के नीचे से, या यूं कहें सीट के नीचे से तेज धुआं निकल रहा था। बस स्टैंड पर एक व्यक्ति द्वारा इनको रोका गया और कहा कि आपके बाइक पर से, जहां आप बैठे हो उसके नीचे से धुआं निकल रहा है। नीचे से धुआं निकलने की भनक बाइक सवार को नहीं थी, क्योंकि जब वो बाइक चला रहा था तो धुआं पीछे की तरफ जा रहा था और बाइकर को नहीं दिखा। जैसे ही इस बात की जानकारी उन्हें लगी, तत्काल उन्होंने बाइक रोकी बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे रेलवे स्टेशन रोड पर, और सीट को जैसे ही खोला उसमें बहुत तेज धुआं निकल रहा था। आसपास के लोगों ने मदद की और बाल्टियों से पानी भर के बाइक पर डाला, बाइक पर से धुआं निकलना बंद हो गया। बारिश में भी बाइक से धुआं निकलने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि बाइकों में धुआं निकलता है, बाइक में शॉर्ट सर्किट से आग लग जा रही है या कई बार किसी और कारण से आग लग जा रही है। ये जो हादसे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। समय रहते लोगों ने इन बाइक वाले को चेता दिया, जिससे बाइक में से निकलने वाला धुआं जो संभवतः आगे आग में कन्वर्ट हो सकता था उसे बुझा दिया गया और बाइकर समय रहते अपनी बाइक को भी बचा पाया, खुद को भी बचा पाया। दादा ही साइड हो जाओ। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।